दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय परीक्षा ऐप। अगर आप इंडियन एयरफोर्स के साथ, आप इंडियन नेवी का तैयारी कर रहे हैं, साथ में अगर आप एनडीए का तैयारी कर रहे हैं, तो ये ऐप आपके लिए काफ़ी ही हेल्पफुल रहेगा। आने वाले एग्जाम की तैयारी करने के बाद अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो आपका जो तैयारी का लेवल है नेक्स्ट लेवल तक हो सकता है। तो इस ऐप को चेकआउट करिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और ये आपका कोड वगैरह है आरा वाला 40, जिसके साथ आपका 40% का ऑफ मिल जाएगा। तो इंडियन एयरफोर्स का जो रीमेडिकल है कल से शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी आपका कंटिन्यू प्रोग्रेस में है। रीमेडिकल इतना आसान नहीं होता है, रीमेडिकल की गए और मेडिकल की तरह एक दिन में आए और शाम को रिपोर्ट लेकर और आपका जो ग्रीन कार्ड है वो आपको दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसा आपका पॉइंट रहेगा उसके हिसाब से आपका रीमेडिकल चलता रहेगा, ठीक है। अभी इनका 3 दिन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आज दूसरा दिन है, 27 को इनका रीमेडिकल शुरू हुआ था। 2 पॉइंट इनका बना था, एक ECG और एक CVS। ECG वाला जो पॉइंट है देख सकते हैं आपका, इनको हम पहले ऊपर वाला चैट आपको दिखा दे तब विश्वास होगा आपका। देखिए यहाँ पर बता दे आपका, देखिए ECG और CVS में रेड कार्ड मिला है, यानी कि 2 पॉइंट है इनका चेक करने के लिए। अब यहाँ नीचे अब आपको लेकर आते हैं रीमेडिकल वाला पॉइंट पर, ठीक है। देखिए अभी क्लियर नहीं हुआ है, बस ECG हुआ है, यानी कि 27 तारीख को इनका रीमेडिकल था, एक दिन बस ECG में ही लग गया इनका, बस ECG हुआ है। उसके बाद आज बुलाया गया है कुछ जगह पर साइन करने के लिए, उसके बाद कल आर्मी के बेस में भेजा जाएगा। अभी हम एयरफोर्स स्टेशन के बाहर है, थोड़ी देर में एंट्री ले लेंगे, ठीक है। तो ये इनका कहा नाम था बस। अब CVS का जो पॉइंट है नेक्स्ट डे चेक होने वाला है, आज इनका पूरा साइन वगैरह में प्रोसेस जाएगा और ये एयरफोर्स स्टेशन के बाहर है, एंट्री ले लेंगे। फिर इनका जो कुछ है आर्मी के बेस में कल इनको भेजा जाएगा, उसके बाद सारा प्रोसेस करने के बाद तब इनको ग्रीन कार्ड वहाँ से मिलेगा, अगर ये फिट होते हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं सारे कैंडिडेट मेरे साथ जुड़ गए हैं पूरे, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर देखिए रेड कार्ड वाले सारे कैंडिडेट व्हाट्सएप लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं और कंटिन्यू चैट पर हैं कि भैया क्या चल रहा है रीमेडिकल में, आखिर 27 को रिव्यू लेने वाले थे, अभी तक चैनल पर अपलोड क्यों नहीं हुआ। इसीलिए अपलोड नहीं हुआ, आपका रीमेडिकल है थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। 27 को है तो ऐसा नहीं कि 27 को ही आपको रिव्यू मिल जाएगा, 28-29 को भी आपका चल सकता है। जैसा आपका पॉइंट है, मान लीजिए आपको 4 पॉइंट बना है तो आपका 4 से 5 दिन, 1 सप्ताह भी लग सकता है रीमेडिकल में। तो ये मत सोचिएगा कि एक दिन में ही मेडिकल की तरह हमको रिव्यू मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बारीकी से जांच होता है, क्योंकि आपका ये लाइफ का सवाल है। बार बार आप एयरफोर्स का मेडिकल देने तो आएंगे नहीं, किसी किसी का लास्ट चांस भी होगा, इतना मेहनत करने के बाद, यानी कि समझ सकते हैं इस लेवल पर आप लोग आते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा हार्डवर्क होता है। रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, इतना ट्यूशन कोचिंग वगैरह वगैरह पढ़ कर, दिन रात तैयारी करके, धूप में पसीना बहाकर रिटर्न एग्ज़ाम आप लोग कंप्लीट करके Phase 2 क्लियर करते हैं। मेडिकल में जब पॉइंट बनता है तो अंदर से बहुत दुख होता है, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं आपका प्रॉब्लम को, तो टेंशन मत लीजिएगा भाई। जैसे ही रीमेडिकल का मिलेगा हमको रिव्यू, जैसे ही कंप्लीट होता है किसी भी कैंडिडेट का, वैसे ही हम आपको चैनल पर ज़रूर अपलोड करेंगे, ताकि सारे मेरे जितने भी कैंडिडेट को पॉइंट बना है अधिकतर को क्लियर हो जाए। आई होप कि सारे को ग्रीन कार्ड तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन हम चाहेंगे कि जितने भी कैंडिडेट मेरे चैनल से जुड़े हैं उनको ज़रूर हेल्प मिले और उनको ग्रीन कार्ड ज़रूर मिले, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जाइए और वहाँ से कॉन्टैक्ट करिए हमसे, नीचे व्हाट्सएप नंबर दे दिए हैं, जाकर आप हमसे बातचीत कर सकते हैं रीमेडिकल के टॉपिक पर। ये था आपका सबसे बड़ा अपडेट, अभी आपका चल रहा है रीमेडिकल, तो इसीलिए हम आपको चाहें कि बता दें, नहीं तो आप परेशान थे कि रीमेडिकल पर वीडियो क्यों नहीं आया। तो चैनल को लाइक करके, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि काफ़ी हेल्प मिल जाएगा, हमको भी मोटिवेशन मिलता है आप लोग जब लाइक करते हैं, क्योंकि मेहनत काफ़ी लगता है एक वीडियो शूट करने में।